और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला आया है। और आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक शख्स को जहरीले सांप ने काट लिया। शख्स घबराया नहीं, बल्कि उसने सांप को पकड़ा और एक डिब्बे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सांप को लेकर वो अस्पताल पहुंच जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, डॉक्टर्स को पूरी बात बताता है तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। ये देखिए किस तरह से एक डिब्बे में बंद कर ये उस सांप को वहां ले जाता है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें हैं जहां आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये अजीबोगरीब मामला सामने आता है। तो डॉक्टर्स के पास वो ले जाता है, पूरी डॉक्टर को बात बताता है। डॉक्टर्स भी एक पल के लिए अचंभित हो जाते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है और ये किस तरह का मामला है जो सामने निकल कर आया है। तो एक शख्स जहां आप देखते हैं कि वो सांप को डिब्बे में बंद कर लेकर चला जाता है। ये नागराज और नौजवान के बीच की जो जंग है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिस्टम बेदम और हर कदम पर राजनीति हो रही है। दरअसल हम बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जो कि झीलों का शहर तो नहीं कहलाया जाता है, लेकिन सड़कों पर बहता सैलाब लोगों की मौत का कारण बन गया है। और हैरानी तब होती है जब इस पर जमकर सियासत होती है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बड़े बड़े वायदे किए गए, राजधानी को झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। ऐसी झील जो लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। किसी से आईएएस बनने का सपना छीन लिया तो कोई मासूम लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गया। शहर में बिजली के तारों का जाल ऐसा कि 40 साल के शख्स को भी नहीं बख्शा। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई घटनाएं हैं। इसे किसी की नजर कहें कि बेपरवाह सिस्टम की लाचारी, जो हादसों के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। दिल्ली में एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया। ऐसा जल भराव जो एक मासूम को ही निगल गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक स्कूल के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 15 साल का लड़का डूब गया। पानी में डूबने के बाद मासूम ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लोगों ने जान बचाने की जद्दोजहद की, लेकिन सब कुछ नाकाफी निकला और मासूम काल की गाल में समा गया। अच्छा, बारिश में नहा रहा था, गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, कितनी तेज पानी से। राजधानी दिल्ली में ये पहली घटना नहीं जब किसी की जलभराव से मौत हुई हो। कुछ दिन पहले बारिश का पानी घर में घुसने से 40 साल के शख्स की करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 अभ्यर्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक तरफ जहां दिल्ली में जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मामले पर समाधान ढूंढने की जगह नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ कर पल्ला झाड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी दिल्ली में पानी भरने को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली जल बोर्ड किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली नगर निगम किसका? आम आदमी पार्टी का। नालों की सफाई किसने करनी थी? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये दूसरों पर दोष डालते हैं। दिल्ली में 35 मृत्यु हुई है इस मानसून सेशन में, उनके जिम्मेदार है सौरभ भारद्वाज। तो इनका भ्रष्टाचार मूल कारण है इस जलभराव का, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़। सिस्टम की लापरवाही जारी है, जनता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 12 बज चुके हैं, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी हिमानी नेथानी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर अमृतसर से आपको बताएंगे, एक एनआरआई घर में, एक उसके घर में हमला होता है।
हमलावर घुस जाते हैं, एनआरआई शख्स को निशाने पर लेते हैं। सुखचैन सिंह नाम है इस व्यक्ति का, जो कि एनआरआई है, अमृतसर में कई सालों से रह रहे थे। अचानक से उनके घर में बदमाश घुस जाते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है एनआरआई सुखचैन सिंह को, जिनको 3 गोली लगी है। ये जानकारी मिल रही है 3 गोली लगी है। अमृतसर का ये मामला है जहां पर एनआरआई के घर पर हमला होता है। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहीं पर अचानक से बदमाश आ जाते हैं, हमला करते हैं, एनआरआई सुखचैन सिंह को अपने निशाने पर लेते हैं और 3 गोलियां ताबड़तोड़ उनके ऊपर चलाई जाती हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सुखचैन सिंह पर उनके घर के भीतर घुसकर जिस तरह से ये हमला होता है, उसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज जो उस घर से निकलकर सामने आई है कि कैसे दो बदमाश सुबह सुबह अहली सुबह वहां पर पहुंचते हैं और वो किस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो वार है वो करना शुरू कर देते हैं। ललित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, कौन ये लोग थे, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से, क्या कोई पुरानी रंजिश है, इस मामले को विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें इस मामले की, ये घटना आज सुबह करीबन 7:30 बजे की है, जब दो बदमाश है वो जो एनआरआई है, जो करीबन एक महीना पहले ही यूएस से अमेरिका से वापस लौटा था अपने घर पे और अपने बिजनेस को एक बार फिर से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा था। सुबह करीबन 7:30 बजे है, जैसे ही एनआरआई है सुखचैन सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने दरवाज़ा खोला, दो बदमाश है वो 3 गोलियां हैं एक के बाद एक दाग देते हैं। ये पूरा जो वाकया है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल स्पष्टता से नज़र आ रहा है कि एक बच्चा और उसकी जो बीवी है वो भी वहाँ पर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं और जिसके बाद सुखचैन को वहाँ से अस्पताल, एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। फिलहाल सुखचैन की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही और जिस तरह से हमारे पास जो जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसएडी सांसद हरसिमरत कौर ने एनआरआई के घर पर हुए हमले की वीडियो शेयर की और पंजाब सरकार से सवाल पूछा। आम आदमी पार्टी और आपका परिवार, यानी कि नहीं, माफ कीजिएगा, आपको बता दें, वो कहती है कि आप और आपका परिवार बुलेट प्रूफ गाड़ियों, इसके अलावा चॉपर्स और सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ जाते हैं, लेकिन पंजाबियों की रक्षा कौन करेगा, ये सवाल पूछ रही है। तो हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल की सांसद, आपको बता दें कि उन्होंने ये एक वीडियो ट्वीट कर पूछा है, ये वीडियो भी शेयर किया और साथ ही साथ ट्वीट कर ये पूछा है सरकार से कि पंजाबियों की रक्षा कौन करेगा। और अब बात करेंगे कोलकाता रेप और हत्याकांड की, जिसमें आपको बता दें कि जो 7 आरोपी हैं उनका अब जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो शुरू हो चुका है। संजय रॉय इसमें है, संदीप घोष इसमें है और बाकी 4 हैं, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। सीबीआई से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो शुरू कर रही है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होने जा रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है और बाकी 4 अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और कर्मचारी, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट आज होना है। संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, जेल के भीतर ही होने जा रहा है ये पॉलीग्राफी टेस्ट, बल्कि शुरू हो चुका है। टेस्ट करने के लिए दिल्ली से स्पेशल टीम कोलकाता आई है और इसी खबर पर कोलकाता से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है और अगर हाँ तो बाकी और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा?
आज बिल्कुल देखिए जो जानकारी मिल रही है 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप ये सीबीआई दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वो 2 डॉक्टर शामिल है जो कि उस रात डिनर में विक्टिम के साथ मौजूद थे, एक इंटर्न उसके अंदर शामिल